जयपुर में एक कौन सा थाली मिलता है जिसे खाने पर आपको 8 लाख रुपए मिल सकते हैं? ये कौन सा कुत्ता जिसे इतना बड़ा अवार्ड मिला है? ये कौन सा पदार्थ है जो हवा से भी हल्का है? कब्र में QR कोड क्यों लगे होते हैं? च्युइंगम जमाने से क्या होता है? तो गाइस इस वीडियो में हम 10 ऐसे अजीबोगरीब चीजों के बारे में जानने वाले हैं जिसे जानकर आप भी कहेंगे क्या बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, जयपुर के एक होटल में बाहुबली थाली के नाम से 8 किलो की थाली खाने के लिए दी जाती है। और अगर गाइस कोई व्यक्ति 40 मिनट में इस थाली में रखा खाना को चट कर जाता है तो उसे इनाम के तौर पर 8 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्या बात है। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो कोई हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन उसे महसूस जरूर कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया के सबसे हल्के पदार्थों में से एक ग्रेफेन एरोगेल जो कि हवा से 7 गुना ज्यादा हल्का है। फैक्ट नंबर 3, चाइना में पाया जाने वाले समुद्री हिरण का बच्चा इतना छोटा होता है कि आप उसे हथेली पर भी उठा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, विकिपीडिया के बारे में आप तो जानते होंगे ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है विकिपीडिया में इतना ज्यादा ज्ञान भरा हुआ है कि अगर कोई इंसान हर आर्टिकल का सिर्फ हेडलाइन पढ़े भी तो सभी आर्टिकल पढ़ने में 400 साल लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 5, कैटी कोहेन वह महिला है जिन्होंने कार्टून नेटवर्क की शुरुआत की थी और हमारे बचपन को बेहद ही यादगार बनाया। तो गाइस आपका फेवरेट कार्टून कौन सा था कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। फैक्ट नंबर 6, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जुलियाना नाम के एक डॉग ने बम के ऊपर पेशाब करके उसे डिफ्यूज कर दिया था और गाइस इस महान कार्य के लिए उसे ब्लू क्रॉस मेडल से सम्मानित किया गया था। फैक्ट नंबर 8, गाइस आपको जो तितली दिखाई दे रही है एक ऐसी तितली है जिसके पंखों में कभी 88 तो कभी 89 जैसे लिखा होता है। फैक्ट नंबर 9, भारत को प्राचीन काल में यूं ही नहीं सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहा जाता है कि काल में जब भारत पर कई आक्रमण हुए तो यहाँ के राजा महाराजाओं ने अपनी धन संपदा को बचाने के लिए छिपा दिए थे। वैसे इनमें से कई खजाने इतने विशाल हैं कि आज की तारीख में भारत की आर्थिक व्यवस्था बदल सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, वैसे अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो मतलब कि बायोडाटा तो आज की तारीख में आधार कार्ड या फिर उसके फैमिली द्वारा हम जान सकते हैं ठीक है। लेकिन क्या होता है जापान में कब्र के ऊपर QR कोड बना होता है जिसे स्कैन करने पर व्यक्ति की सारी पहचान और पता चल जाता है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हमारे ऐसे अमेजिंग वीडियो आपके तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।